मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गौवंश की हत्या के बाद शव काटकर फेंकने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी श्वेता मौर्या ने बताया कि आरोपी गौवंश की हत्या करने के बाद फरार हो गया था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही उस पर गौवंश की हत्या सहित कई अन्य मामलों के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ये थाना मोहगंज में पिछले वर्ष जुलाई माह की घटना है, जिसमें फरियादी मोहम्मद शाबिर ने रिपोर्ट किया था कि चक्रभाटी का ही एक फिरोज खान नाम का व्यक्ति है, जिसने इसके 6 माह के बछड़े को चोरी करके और उसको मार के फेंक दिया है, जिसमें थाना मोहगंज में 379, 429 IPC और पशु क्रूरता अधिनियम तथा गौवंश मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।